हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडल वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने वाले हैं, जो है बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। तो बच्चों, इसके लिए एक छोटा सा बेसिक भी जान सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिंपल वे में आप कैसे सोच सकते हैं, पहले ये देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर। यानी आपको ऑन 14,000 देने का मतलब हो गया कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई अमाउंट था, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, 14,000 दिया हुआ था और रेट दिया हुआ था कितना, और टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर। रेट कितना दिया हुआ है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर रेट तो दिया हुआ है 10%, स्क्रीन पे हमको दिख रहा है। तो चलिए, स्क्रीन पे हम आप ही के लिए तो लगाए हैं। चलिए, तो हम लोग सी आई फाइंड कर लेते हैं। सी आई अगर फाइंड करना चाहेंगे तो आप जानते हैं फॉर्मूला, पी इंटू 1+R/100 टू द पावर टी और -1। बोले ये बात जानते हैं कि नहीं? बोले हाँ सर, ये जानते हैं। तो 14,000 1+R है हमारे पास 10/100 टू द पावर टी कितना है, 2 है, और -1। ये हो गया बच्चों 14,000, और ये हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10 और 1 11/2, 11/10 का स्क्वायर और -1। ये हो गया, देखिए 14,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 और बाय 100 हो जाएगा, और -1 होगा तो मैं एलसीएम डायरेक्ट ले लूंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 14,000 इनटू, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 21/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इनटू, जब कर लेंगे तो 14 1 जा 14 का 4 1, 14 जुटा 28 और 1 29, इतना हो गया, और 1 जीरो चिपका दीजिए। तो ये क्या हो गया 29,40, ये क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई इक्वल टू, आप जानते हैं पी आर टी बाय 100, ये जानते ही हैं। तो पी है हमारे पास 14,000 और आर है हमारे पास 10% और टाइम 2 ईयर बाय 100। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया तो बच्चों 14,200 28,000 ये हो गया। तो देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई है हमारे पास 29,400 और 28,000 को क्या कर देंगे, उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया बच्चों 140 और ये 140 ही आपका क्या हो गया, रूपी में आंसर आ गया। ये किस में आया, रूपीज में आया। तो बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ तो था ही नहीं। अब आप इसके बेसिक के चक्कर में झूठे ही पड़ेगा, तो मैं तो कहूँगा कि बेसिक आप जानिए ही नहीं, ऐसे ही इसको बना लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसी तरह से इसको बनाएंगे आप। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 8,000 फॉर 3 ईयर एज ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो बच्चों केस 1, तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ है, ये देखिए, उन्होंने प्रिंसिपल 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है 3 ईयर और रेट भी दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है बच्चों आपका 8%। तो बोलिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप एस आई फाइंड करेंगे तो पी आर टी बाय 100, तो पी हो गया 8,000 इंटू आर है 3 और 8/100, तो ये 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों 24 64 इंटू 3, ये हो गया 1920, ये हो गया, इतना क्या हो गया आपका एस आई निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हैड ही इन्वेस्टेड द सेम सम
सेम सम मतलब क्या हो गया, जितना प्रिंसिपल इसने 8000 इन्वेस्ट किया, इन्होंने फिर से वही किया, इन्वेस्ट किया सेम पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ रेट बदल दिया। ओके बच्चों, तो कह रहा है कि हाउ मच वुड हैव रिसीव्ड आफ्टर थ्री ईयर, हाउ मच मोर कह रहा है। मोर कहने का मतलब हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इतना उसको इंटरेस्ट मिला, अब फिर इसी अमाउंट को फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल तो 8000 ही था, टाइम भी 3 ईयर ही था, बट रेट को उन्होंने चेंज करके कितना कर दिया, 7/1/2 कर दिया। क्या कर दिया, 7/1/2%, ये हो गया 7 × 2 = 14, 15/2% कर दिया। क्या कर दिया, तो आप बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, सी आई आप फाइंड कीजिए ना, पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर T-1, ये होगा। तो P कितना है, 8000, 1 + R है हमारे पास 15/2 और 100 तो 200 हो जाएगा, टू द पावर कितना T, तो T है 4, 5 = 40। ओके, तो देखिए एक नया यहाँ टर्म आ गया 800, ठीक है ना, 4, 5 = 35, हाँ ठीक है 8000, और यहाँ हो गया 43/40, तो ये 3 पावर हो गया -1। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो गया कि 43 का क्यूब करना है, तो 43 का क्यूब हो गया बच्चों 800 और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 71/4 का क्यूब होता है, 4 × 4 = 16, 4 × 64 और इस पे 1, 2, 3, 0। ओके बच्चों, तो ये हो गया, और ये देखिए माइनस वन के कारण मैं एलसीएम एक बार में ही ले रहा हूँ, तो ये हो गया इतना, ये हो जाएगा 507 और ये हो जाएगा कितना, 4 चला गया इसमें तो 5 और 1 कितना हो गया, दिस बाय 8। ओके, तो 8 × 8 और ये हो गया 7। तो बच्चों ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब आपको कह रहा है कि दोनों में से कौन कितना ज्यादा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इंटू किया हुआ है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा SI और यहाँ CI। कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच मोर वुड हैव बीन रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, तो ये ज्यादा है, देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस CI - SI = क्या हो जाएगा, 1938.38 और ये हो गया 1920.00, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 18.38, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप में कुछ भी नहीं है, आप ये देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, वही दो फॉर्मूला पे ये पूरा बनेगा, सिर्फ कैलकुलेटिव है, जैसे यहाँ क्यूब आ गया और ये जो हमने बोला था कि 21 ही रहेगा, तो बीच बीच में ये सब आ जाता है, यही इसमें प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज दिस, यहाँ दिया हुआ है CI और SI, तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू पी, हमने सपोज कर लिया, क्योंकि लास्ट में क्या कह रहा था हमने, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो उसका डिफरेंस दिया हुआ है, यानी CI - SI दिया हुआ है कितना, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको, कहाँ है, 12.50 ये दिया हुआ है। अब आप देखेंगे क्या है, रेट भी दिया हुआ है आपको और टाइम भी दिया हुआ है,
रेट कितना दिया हुआ है 5% और टाइम कितना दिया हुआ है तो 2 ईयर दिया हुआ है। अब आप देखेंगे, अब देखिए बच्चों, लास्ट स्क्रीन पे आपको बेसिक का एक पार्ट मिलेगा जहाँ पे आपको इसका बेसिक पूरा आपको बता दिया गया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 ईयर का आपको ये जैसे ये क्या है, 2 ईयर का है बच्चों, तो 2 ईयर का CI - SI का फॉर्मूला होता है PR² / याद रखिए PR² / ऐसे मत याद रखिए आपको हार्ड लगेगा, P × R/100 का स्क्वायर, ये याद रखिए, बस इतना याद रखना है, P × R/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही वाला लिखेंगे, सिंस CI - SI इक्वल टू दिस, तो CI - SI का फॉर्मूला दिया, ये वैल्यू दिया हुआ है दिस इक्वल टू P, देखिए नहीं पता है तो P × R है हमारे पास 5/100 का स्क्वायर, तो ये देखिए कैंसिल हो गया 20, तो बच्चों क्या हो गया 125, इतना दिस इक्वल टू इनटू, ये देखिए 1/20 का स्क्वायर 400, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1250 × 400, ये हो गया बच्चों। देखिए 1, 2, 3 और दिस वन और 2 डिजिट के बर्थडे से कितना हो गया बच्चों हमारा 5000 रुपीज आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तो 5000 रुपीज आपका आंसर है। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आप इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उस तरह का 2 क्वेश्चन आपको बताया जिससे कि आप अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मेरा बताना उद्देश्य था, अदरवाइज इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के आसानी से इसी से बना सकते हैं, तो आप घर में जरूर ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले से, जो कितना आसान फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बेसिक बताना मेरा पर्पस था, इसलिए मैंने उस तरह से अपने सिंपल जो आप जानते हैं उसी नॉलेज से किस तरह बना सकते हैं ये, और इसका बेसिक आप जरूर बेसिक पार्ट 1 में चले जाएंगे, आपको बेसिक का वीडियो मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ये 15 नंबर के बाद अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने 2 क्वेश्चन तो दूसरे मेथड से बता दिए, तो चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है बच्चों फिर मैं फॉर्मूला वाला मेथड से बता देता हूँ, तो ये मिक्स करके आपको नॉलेज देना मेरा पर्पस होता है, यही तो है मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग का पर्पस, है ना बच्चों। तो चलिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस ऑफ CI and SI ऑफ ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इक्वल टू इज 1% ऑफ सम ऑफ मनी देन फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है, कहा कि डिफरेंस ऑफ CI and SI फॉर 2 ईयर इज 1% ऑफ सम ऑफ मनी, तो चलिए लेट सम ऑफ मनी कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर ही क्वेश्चन है, लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ CI and SI इक्वल टू यही कह रहा है 2 ईयर के लिए इज 1% ऑफ सम ऑफ मनी इक्वल टू 1% ऑफ सम ऑफ मनी दैट मीन्स पी, यही कह रहा है। चलिए इसके नीचे उसका फॉर्मूला लगाइए फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए है ना, 2 ईयर के लिए, और रेट आपको दिया हुआ है कितना, रेट तो फाइंड ही करने के लिए कह रहा है, तो कोई बात नहीं, रेट इक्वल टू क्या हो गया वाट। चलिए तो आप देख लिए कि P × 1 + R/100 नहीं ये नहीं ना P × इसका स्क्वायर यही होता है, देखिए P%, तो ये परसेंटेज गया तो बाय 100, क्लियर हो गया। देखिए बच्चों ये P कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया देख रहे हैं आप, R² / 1, 2, 3, 4 इक्वल टू 1/100, देखिए नीचे वाला 0 कैंसिल हो गया, तो R² = 100, तो R = क्या हो गया बच्चों √100 दैट मींस 10%। तो बोले कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, आपको हमने ये कहा
कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सी आई माइनस एस आई जो दिया हुआ है ना वो 1% ऑफ सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी क्या था, पी था, तो ये और इसका फॉर्मूला यहाँ लगा है और इसका यहाँ वैल्यू पुट करते करते क्या हुआ, आर का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों आर का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 10% हो गया और यही आपका आंसर है। तो बोले ये सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं है ना, ये आप आसानी से बना सकते होंगे। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6 2/3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 2/3%, यानी 6 3 20/3% हो गया, ये इतना रेट दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, रेट पर इंटरेस्ट एंड डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑन ए सम मनी फॉर 3 ईयर। अब यहाँ देखिए 3 ईयर का कह दिया। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला मेरा वाला काम आने वाला है ना, कि आपको बेसिक से बनाना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है सी आई और एस आई निकालने के लिए और उसका डिफरेंस 46 दिया हुआ है, तो बच्चों प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है। तो लेट सम ऑफ मनी इक्वल टू कितना, पी। तो बच्चों सी आई फाइंड कर लीजिए ना अपने मन से, पी इंटू 1 + r/100^3 हो जाएगा यहाँ। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं t-1, ये फॉर्मूला आता है। बोले हाँ सर ये तो आपने अभी बताया था, यहाँ बेसिक तो कम आ गया, 1 + r 20/3 × 100 हो जाएगा और इस पे स्क्वायर नहीं क्यूब माइनस वन। तो बच्चों p इंटू ये देखिए ये हो गया कितना 5, तो ये 15 बन जा और ये 16/15 हो गया का क्यूब माइनस वन, यानी हो गया पी माना 4096/15 का क्यूब। और यहां से देखिए वन है तो मैंने एलसीएम डायरेक्ट लिया इसको 37, दिस वन इक्वल टू क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 427/3375 हो गया। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा सी आई। अब यहाँ पे हम लोग एस आई फाइंड कर लेते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100। बोले मन नहीं लग रहा होगा ना आपको क्योंकि मैं सुस्त हूँ थोड़ा सा, तो क्या करूँ है ना, हमेशा मूड नहीं रहता है। देखिए पी है हमारे पास कुछ नहीं, आर है हमारे पास 20/3 और टाइम है 3, ये 3 कैंसिल हो गया बाय 100। देखिए ये 100 से ये कटाएगा तो 5 हो जाएगा, क्या हो गया बच्चों p/5 हो गया। बोले हाँ सर ये तो ठीक है। अब सी आई माइनस एस आई, नाउ सी आई माइनस एस आई इक्वल टू दिया हुआ है 64, कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है 46। तो चलिए यहाँ देखिए ये हो गया हमारा 724p/3375 और माइनस ये हो गया p/5 इक्वल टू 46। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए 3375 तो हो जाएगा 724p माइनस, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 6 फिर 7 5 इक्वल टू 46। क्लियर है बच्चों, इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 46 पी इक्वल टू 46। देखिए 46 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3375 दिस इज योर आंसर 3375। तो बच्चों इसी वीडियो में हम लोग अभी और आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही आसान टाइप था जो हम लोगों ने अभी 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या है बच्चों, तो ये हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आप क्या और कैसे होता है ये आप बेसिक पार्ट वन में देखेंगे। मैं सिंपली कहूंगा जब हाफ ईयरली का केस रहे बच्चों, हाफ ईयरली आप कहेंगे सर आप इस तरह से कहें थोड़ा डिटेल में बताएं, तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी। बच्चों अगर आपको कोई टाइम दिया हुआ है तो टाइम को 2 से इंटू कर लीजिए है ना, और अगर आपको कोई रेट दिया हुआ है तो रेट को हाफ कर दीजिए, कोई दिक्कत है, यानी इसको टाइम को 2 से इंटू और आर को 2 से
डिवाइड कर लीजिए, किस केस में, हाफ ईयरली के केस में। ये हुआ हमारा शॉर्ट कॉट, समझ में आ गया, शॉर्ट और कॉट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन 4000। ऑन 4000 मतलब आपके पास शुरू में प्रिंसिपल 4000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। और कह रहा है कि रेट 4% और 1 ईयर है, तो रेट क्या है बच्चों, 1% नहीं 4% और टाइम है 1 ईयर, कोई दिक्कत है। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इन केस ऑफ हाफ ईयरली, ईयरली क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल हमने लिख दिया, रेट इक्वल टू बच्चों 4% है तो 4/2 यानी 2% हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, तो टाइम हो जाएगा 1 ईयर है तो 1 × 2 यानी कितना हो जाएगा 2 ईयर। अब आपको क्या कहना है, अमाउंट फाइंड कीजिए और सी आई भी फाउंड कीजिए, यही कह रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं पहले नंबर पे, तो आप बोलेंगे सर मैं तो जानता हूं ए का फॉर्मूला, तो 1+R/100। अब बोलेंगे सर ये वाला ब्रैकेट नहीं होता, बड़े बेवकूफ है आप, यू गेट टी। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखिए पी कितना है हमारा 4000, तो 4000 1+R कितना है, तो आर हमारा हो गया चेंज हो गया, ये वाला नहीं, अब आ गया हमारा आर 2%, तो 2/100^2, ये वाला टाइम, ये वाला नहीं और ये वाला भी नहीं। तो चलिए ये हो गया हमारा 50, तो एलसीएम लेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 तो हो जाएगा 4000 × 51/50 × 51/50, देखिए 20 कैंसिल हो गया इससे, ये देखिए 85 जा हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए आप इंटू करेंगे ना, 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2601। कैसे, देखिए 51 × 51, तो बच्चों 51 का स्क्वायर क्या करेंगे ना, 50 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01 करके लिख लेंगे, और ये इसका 50 है ना बच्चों, तो 5 या कितना होता है 25, और 1 ज्यादा है तो 1 ज्यादा कर दीजिए 26। ये समझ आया इंटू कैसे करते हैं, फिर से एक बार समझा दें, सही बात है। देखिए बच्चों मैंने कहा कि 50 से कितना ज्यादा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 डिजिट में लिख रहा है तो 01 हो गया। अब बच्चों 5 या कितना होता है 25 होता है, कितना ज्यादा है 1, तो 1 ज्यादा कर दीजिए कितना जाएगा 26 बाय नहीं इंटू 8 ना इंटू 8/5, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 × 1 = 8 × 40 / 5, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 4 × 1 × 6 × इतना हो गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अमाउंट निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, सी आई कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर सी आई का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाइए ना, -1 वाला जो आप बोलते हैं, तो बड़े बेवकूफ है आप, तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा a - p हो जाएगा, तो a है हमारे पास कितना अभी आया है ना 4161.60, -p कितना है हमारा 4000, तो 4000.00, तो ये कितना हो गया 161.60। तो ये नहीं कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, बोलेंगे सर उस फॉर्मूला से अगर हम करना चाहेंगे तो आप हमको पीटिएगा क्या, तो बच्चों हम पीटेंगे काहेला, आप वैसे भी कीजिएगा तो आप को थोड़ा टफ पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा, इसीलिए हम ना पीटेंगे ना एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, तो रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, ओके
कंपाउंड हाफ ईयरली है 3000 पे और टाइम दिया हुआ है 1.5, तो 3000 यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000, कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब बहुत ही आसान है। तो इन केस ऑफ हाफ ईयरली, समझा ना, इन केस ऑफ हाफ ईयरली, ज्यादा हम ना लिखेंगे मेरा इंक खराब हो जाता है। चलिए तो पी कोड क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम जो हमारा दिया हुआ है क्या दिया, 2 और 3 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईयर। रेट क्या हो जाएगा, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोले कि रेट को सर आप तो बोले 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया 4%। बोले हाँ सही बोल रहे थे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो CI का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए ना, आप नहीं भी लगाएंगे तो जिस तरह से हमने अभी निकाला तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं ये वाला CI वाला, तो आप पहले A निकाल लीजिए और फिर CI इक्वल टू A माइनस P कर लीजिए, फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तब, अदरवाइज CI का फॉर्मूला आप याद रखिए, आपको जल्दी से सॉल्व करना है। तो 1 + R/100, तो R क्या है, R/100 लिख देता हूँ फॉर्मूला, बच्चा बुजुर्ग सब है ना आप। ये हो गया पी, पी है हमारे पास कितना 3000। 1 + R कहाँ है, 1 + R, R है 4%, 1 + 4/100 2 to the power 3 -1, ये होगा ना 3 ईयर के लिए हो गया था। तो 3000, ये देखिए ये हो गया 25 और 1 26 by 25 और इसका क्यूब और -1, ये हो गया तोते तोते, ये क्या हो गया 25 का क्यूब, बार बार दिक्कत कर रहा है 25 का क्यूब और 26 का क्यूब। तो ये हो गया बच्चों हमारा 3000 और यहाँ देखिए ये हो गया हमारा 1767 by, देखिए बच्चों ये 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर 625 और 25 से फिर इसको इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 6 में 6 चला गया तो 0 और फिर 15 में चला गया तो 2, 10 बाय क्या हो गया बच्चों 15625, 15625। ओके अब आप देखेंगे क्या देखेंगे, मत देखिए कुछ 19 नंबर डेसिमल आंसर है। देखिए बच्चों ये 6 5 जा और ये हो गया 3 5 जा 1 5 जा 2 5 जा 5 5 जा, फिर देखिए बच्चों ये 12 5 60 यानी 12 5 जा और ये हो गया 6 5 जा 2 5 जा 5 5 जा, फिर ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया 25। तो बच्चों अब आप ये आप जान रहे हैं, इसको इंटू कर लीजिए, ये सिंपलीफाई कर लीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा आज इसको, जो आप इंटू करेंगे ना ये, इसमें कोई ट्रिक ट्रिक है नहीं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, मेरा मन नहीं अच्छा लग रहा है आज।